प्रभु राम की नगरी अयोध्या में जब से रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, तब से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर दिन धर्म नगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। रामलला के मंदिर निर्माण के साथ ही अब युवा अयोध्या के मठ मंदिर और सनातन संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। विशेष अवसरों पर युवाओं के द्वारा दर्शन पूजन अब आम बात हो गई है। मस्तक पर राम नाम के चंदन का तिलक और राम नाम के जयकारे से अयोध्या भक्तों से पटी रहती है। भगवान राम की नगरी में तुलसी की माला का व्यापार लाखों में हो रहा है। व्यापारियों का कहना है कि जब से रामलला के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, तब से श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बच्चे जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, तब से बड़े बड़े बच्चे 15 साल 20 साल से लोग आ रहे हैं और देखते हैं तो कहते हैं हमको तुलसी की माला चाहिए, इतने डिजाइन के चाहिए, ऐसा बनाइए, भगवान का रूप दे करके बनाइए। और अमेरिका, आयलैंड, थाईलैंड, ये सब लोग आ रहे हैं और माला का रूप ले करके जा रहे हैं, वहाँ प्रचार करते हैं कि हमको 4 माला चाहिए, 3 माला चाहिए और हमको चाहिए। प्रसाद के रूप में ले जा रहे हैं, प्रसाद के रूप में ले जाते हैं और वो स्वयं वहाँ से हमारे पास कार्ड छपा हुआ, हम उनको देते हैं तो कहते हैं वाह वाह, आपने इतना बड़ा वो किया, तो आप ऐसा काम करिए कि हमारे लोगों को माला और दीजिए शुद्ध तुलसी में, तुलसी का शुद्ध पूरी गारंटी 100% है। एक माला आपको बनाने में कितना टाइम लगता है? एक माला बनाने में हमको 3 घंटा लगता है। कितने प्रकार के माला बनाते हैं? कम से कम 200 प्रकार के हैं। वो कौन से बनाते हैं? अब एक माला बनाएंगे राम नाम लिख करके बनाएंगे, एक माला बनाएंगे सादा रहेगा, एक माला रहेगा गायत्री मंत्र उसमें लिखेंगे, एक माला रहेगा पूरा राम मंत्र लिखेंगे उसमें, उस भगवान का फिर लाकेट बनाएंगे, हनुमान जी का लाकेट बनाएंगे और लाकेट छोटी छोटी रहेगी उसमें सीताराम लिखा रहेगा। लोग मांगते हैं कि भैया ऐसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, टिकली जैसा और कान का फूल है, नाक का है, ये सब हम बना बना करके उनको देते हैं तो बड़ा खुश होकर के जाते हैं, ले जाते हैं कलकत्ता, बनारस, बम्बई, कहाँ, अमेरिका, चीन भी आते हैं, कोई कोई ऐसा नेपाल भी आते हैं हमारे पास, बहुत आ रहे हैं इसमें। तो राम भगवान के दर्शन करने आएंगे? नहीं, भगवान का दर्शन करने आएंगे तो यहाँ देखते हैं तो कहते हैं भैया अरे तो माला यहाँ मिल रहा, चलो ले लिया जाए। धीरे धीरे अब श्रद्धालु सनातन संस्कृति से जुड़े हुए भगवान से संबंधित सामानों से भी जुड़ रहे हैं। बड़ी संख्या में अब युवाओं में तुलसी की माला पहनने का शौक बढ़ा है, जिसका ये परिणाम है कि श्रद्धालु लाखों की संख्या में तुलसी की माला खरीद रहे हैं। आने वाले श्रद्धालु माला प्रसाद के रूप में भी लेकर जाते हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने नौजवान भाई बहनों का, सिर्फ नौजवान साथी ही नहीं, नौजवान भाई बहन, इसके अलावा देश से। मैंने देखा अभी जब कई देशों के लोगों को बुलाया गया था दीप उत्सव में, तो कुछ लोग अयोध्या में 40 देशों से लोग आए हुए थे और सबके मस्तक पर चंदन और चंदन में भी राम नाम लिखा हुआ, खूब सुंदर, गले में कुछ न कुछ मालाएं में अयोध्या से चाहे रुद्राक्ष की मिल जाए, अक्सर मैं देखता था लेकिन अब अयोध्या में देखता हूँ अक्सर तुलसी जी की माला धारण कर रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि सनातनी जगे, और जगने के बाद मैं देखता हूँ आने वाले नया इंग्लिश आंग्ल नववर्ष है, उस नववर्ष में मैं देखता था कि लोग पब में अन्य जगह पी के पड़े रहते थे, मस्ती लेते थे, लेकिन इस बीच में मैंने देखा है लमसम 4 सालों से कि इतनी आम दर्शक की भीड़ पब में ना जाकर मंदिरों की ओर। तो जो सनातन सदैव भाव रहता सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतो निरामया, और जो त्याग की, तपस्या की, समर्पण का भाव सिर्फ जो है सनातन में ही है, इसका प्रणाम स्वरूप है अयोध्या। जो भी लोग आते हैं सबके मस्तक पे आप चंदन जरूर देखेंगे और उनके वो प्रयास होता है कैसे मेरे मस्तक पे चंदन लग जाए। जैसे मैं भी नहीं भी रहता हूँ तो फ़ोन आता है, महाराज जी आश्रम में कोई है चंदन मिल जाता हनुमान जी महाराज का। पहले लोग कतराते थे, घबराते थे, चंदन मिटाने का प्रयास करते थे, लेकिन अब देखिए मांगते हैं, झगड़ते हैं, चंदन जरूर मिल जाए, गले में माला जरूर कुछ ऐसा पड़ जाए। तो बड़े गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है कि नौजवान भाई बहन जगे हैं, और ये प्रणाम राम भक्तों का है जो राम भक्तों ने घर घर जाकर जगाया लोगों को।
कहते हैं कि गले में तुलसी की माला धारण करने से सारे रोग, सारे पाप और सारे शारीरिक कष्ट नष्ट हो जाते हैं। और अब अयोध्या में इसका व्यापार खूब हो रहा है और खासकर युवा इन मालाओं को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।